नमस्कार, मैं विश्वनाथ चटर्जी आज आपको गजल सम्राट मेहंदी हसन साहब की कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को शुरू करने से पहले मुझे मशहूर गायक जगजीत सिंह जी की कही वो बात याद आती है जो वो खान साहब के बारे में कहते थे। जगजीत सिंह जी कहते थे कि मेहंदी हसन साहब जैसा गजल सम्राट न कभी हुआ है और न कभी होगा। सच है ये कि मेहंदी हसन जैसा कोई दूसरा फनकार हो ही नहीं सकता। मेहंदी हसन का जन्म 18 जुलाई 1927 को हुआ था। राजस्थान के शहर झुंझुनू के एक गांव लूना में वो पैदा हुए। ये मेहंदी हसन की शख्सियत ही है कि उनके जन्म से लेकर आज करीब 100 साल बाद भी उस गांव की पहचान मेहंदी हसन ही है। घर में संगीत की बड़ी अच्छी परंपरा चली आ रही थी। अब्बा और चाचा ध्रुपद गायकी से जुड़े हुए थे। अब्बा और चाचा से पहले की और भी पीढ़ियां जो है संगीत से ही ताल्लुक रखती थी। कहा जाता है कि मेहंदी हसन साहब 16वीं पीढ़ी की नुमाइंदगी कर रहे थे। मेहंदी हसन साहब का पहला पब्लिक परफॉर्मेंस सिर्फ 8 साल की उम्र में हुआ था, जहां उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ ध्रुपद गाया था। यही कोई 1935 के आसपास की बात होगी। इसके करीब 12 साल बाद देश की तस्वीर ही बदल गई। देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद विभाजन का दर्द सभी ने झेला। हजारों लोग अपनों से बिछड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए। त्रासदी के इसी माहौल में मेहंदी हसन का परिवार पाकिस्तान चला गया। उस वक्त मेहंदी हसन साहब की उम्र तकरीबन 20 साल की थी। जाहिर है बंटवारे के बाद हालात उनके अच्छे नहीं थे। ऐसे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान में मेहंदी हसन के परिवार के लिए गुजर बसर करना भी बहुत ही मुश्किल था। तो मेहंदी हसन साहब ने उस समय साइकिल की दुकान पर काम किया था। रोजी रोटी के लिए कार, डीजल, ट्रैक्टर के मैकेनिकों का काम भी उन्होंने किया था। यह अलग बात है कि जिस इंसान की कई पुश्तों ने संगीत में दिल लगाया है, उसका दिल मशीन के कलपुर्जों में कहां लगने वाला था। जाहिर है मेहंदी हसन साहब का मन भी संगीत के बिना कैसे लग सकता था। मेहंदी हसन ने पैसों की दिक्कत के बावजूद रियाज नहीं छोड़ा। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनके हुनर की बात पाकिस्तानी रेडियो के अफसरानों तक पहुँच गयी। वो 1952 का साल था जब रेडियो पाकिस्तान के लिए उन्हें गाने का मौका मिला। रेडियो पाकिस्तान के कराची स्टेशन के अनवर इनायतुल्ला ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक युवा जो कि थोड़े थोड़े गंजे हो रहे थे, चमकीली आंखों वाले शख्स ने जब गाना शुरू किया तो उन्होंने ऐसा गाया कि वो वहीं के होकर रहे थे। ये थे मेहंदी हसन साहब। धीरे धीरे मेहंदी हसन ने गजल गायक के तौर पर अपनी पहचान बनाई। फिर 1964 का साल आया जब फिल्म फिरंगी की एक गजल दुनिया के सामने आई। गजल के बोल थे, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। फैज अहमद फैज की इस गजल को राग झिझोटी में उनके भाई गुलाम कादिर ने ही कंपोज किया था। इसके बाद तो मेहंदी हसन धीरे धीरे गजल गायकी के पर्याय बनते चले गए। एक के बाद एक नगमे उनकी मखमली आवाज में आते गए, लोगों के दिलो दिमाग को छाते गए। आबिदा परवीन उन्हें संगीत के क्षेत्र का टाइटेनिक फिगर बताती हैं। लता मंगेशकर ने एक बार कहा था कि आप हसन साहब को सुने तो लगता है जैसे उनके गले में ईश्वर का वास है, भगवान उनके लिए गाते हैं। ये मेहंदी हसन का सम्मान ही था कि भारत में हुए उनके एक कार्यक्रम के दौरान सोनू निगम पूरे समय उनके पैरों के पास बैठकर उन्हें सुनते रहे। गुलों में रंग भरे के साथ मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, रंजिश ही सही दिल ये मेरा दुखाने के लिए आ, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। रफ्ता रफ्ता जैसी गजलों ने लोगों को मेहंदी हसन साहब का दीवाना बना दिया था। उनकी आवाज सीमाओं से परे हो गई थी। वो गजल शहंशाह, गजल सम्राट कहलाने लगे थे। दुनिया भर के गजल प्रेमियों ने उन्हें अपने सर माथों पर बिठा लिया। 80 के दशक के आखिरी सालों में उनकी तबीयत ने साथ देना छोड़ दिया। उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बना ली। उनके फेफड़ों ने साथ देना बिल्कुल छोड़ दिया था। इसके बाद भी उन्होंने 2009 में लता मंगेशकर के साथ मिलकर तेरा मिलना गाया। इस रिकॉर्डिंग की खासियत ये थी कि मेहंदी हसन ने अपना हिस्सा पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया और लता जी ने भारत में। दोनों ट्रैक को मिक्स करके गाना तैयार हुआ। संगीत मेहंदी हसन साहब का ही था। करीब 12 साल तक वो बीमारियों से लड़ते रहे। आखिरी वक्त में वो भारत आना चाहते थे, अपने जन्म स्थान की मिट्टी को देखना चाहते थे,
लता मंगेशकर जी, दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन साहब से मिलना चाहते थे। अफसोस की बात यह है कि उनकी ये तमन्ना जो है दिल में ही दबकर रह गई, और उससे भी बड़ा अफसोस ये है कि उन्हें वीज़ा तक मिल चुका था लेकिन सेहत ने साथ नहीं दिया। 13 जून 2012 को 12:22 पर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।